न्यूजीलैंड विच साउथ ऑकलैंड दे मिडलमोर हस्पताल विच 6 महीनों दौरान करीब 80 मरीजों की मेडिकल जांच करन वाला डॉक्टर युवराज कृष्ण का झूठा किस्सा जग जाहिर हो गया। वह जाली सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस कर रहा है। पुलिस वालों उस नूं गिरफ्तार करके मैनुकाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच पेश किया जा चुका है, जिस नूं दिसंबर विच सज़ा सुनाई जाएगी और जुर्म बदले उस नूं 10 साल तक कैद हो सकती है। भावें अदालत ने उस नूं जमानत दे दिती है, पर न्यूजीलैंड तो बाहर जाण ते हस्पताल दे स्टाफ नूं मिलण ते पाबंदी लगा दिती है। प्राप्त जानकारी अनुसार 30 साला युवराज कृष्णन नू 10 अगस्त नू उस वेले नौकरी तो फारग किया गया सी, जदो उस दे एक साथी ने युवराज नू पछाण लिया सी, क्योंकि युवराज नू 10 साल पहला यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड विचों कढ़िया गया सी, जदो बिना एडमिशन तो यूनिवर्सिटी दियां क्लासां ला रहा सी। मिडलमोर हस्पताल में जॉब करने तो पहला युवराज ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी जॉब कर चुका है, जिसने पिछले साल मिडलमोर हस्पताल में डॉक्टर की जॉब वास्ते अप्लाई किया सी, जिस दौरान उसके मेडिकल काउंसिल ते ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड के क्लिनिकल मैनेजर जेम्स वर्दी तरफों लैटर भी लाए गए सन, जिस आधार से उसनू जॉब मिल गई सी। पर जांच करदिया कुछ महीने लंघ गए, जिस दौरान वह जानदा होने के बावजूद डॉक्टरी वाले सर्टिफिकेट के आधार पर डॉक्टर वजो प्रैक्टिस करता रहा, पर जांच मुकम्मल होने पर उसके दोवें लैटर भी जाली निकले। उधर काउंटीज मैनुकाउ के चीफ मैडिकल अफसर डॉक्टर एंड्रियो कोलोनी का कहना है कि युवराज वालों जड़े मरीजों की जांच की गई सी उनका रिव्यू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट NZ Punjabi News।